हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम जो है इस वीडियो में, जैसा कि मैंने एक फॉर्म भरा था हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज LLB, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वाराणसी में है, वहाँ का मैंने हरिश्चंद्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाराणसी 2023 एडमिशन का जो है मैंने फॉर्म भरा था। फॉर्म वहाँ का चालू कब हुआ था भरना? इट वॉज़ स्टार्टेड 17 अप्रैल 2023 से फॉर्म वहाँ का भरना चालू हुआ था। अब फॉर्म भरना चालू हुआ तो उसमें जो टाइम डेट दी गई थी कि लास्ट डेट का, उसको 2 से 3 बार एक्सटेंड किया गया, और फाइनली मुझे लग रहा है कि 15th ऑफ जुलाई ये जो है लास्ट डेट थी, इसके बाद उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया फॉर्म को, और उसके बाद उन्होंने एडमिट कार्ड निकाला एंट्रेंस टेस्ट का। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप LLB या BA किसी चीज़ में भी जा रहे हैं तो आपको एंट्रेंस देना होता है, उसको पास करना होता है, और ये लोग उसको बच्चों को कैसे मतलब सेलेक्ट करते हैं, जो इनके यहाँ पढ़े हुए बच्चे, जो हरिश्चंद्र कॉलेज से पर्टिकुलर पढ़े हुए बच्चे होते हैं, उनको जो है 10% तक उनका जो है मार्क्स जो होते हैं वो कम होते हैं, उनको छूट मिलती है, और जो अदर कॉलेज के होते हैं उनका, जैसा कि इस बार का रिजल्ट आया है उसको देखा जा रहा है, तो उसमें 10 नंबर ज़्यादा है जो है। जैसे मैं अदर कॉलेज से पढ़ा था तो मेरे जो कट ऑफ इन्होंने बनाया उसमें 10 मार्क्स का फ़र्क है जो है। अब बात करते हैं, तो इन्होंने फॉर्म निकाला, अब इंट्रेंस इनका जो था जो है वो 7th ऑफ अगस्त को इन्होंने इंट्रेंस लिया। इंट्रेंस लिया तो अब इंट्रेंस की बात करते हैं कि इंट्रेंस कैसा था। इंट्रेंस जो है टोटल, जैसा यहाँ पे लिखा है, 100 नंबर का था, ठीक है। 100 में जैसा वहाँ पे लिस्ट लगी थी, वो टोटल जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे बच्चे यहाँ अपीयर होते हैं, क्योंकि BHU जो कि IIT आप लोग को पता होगा, उसके बाद जो है, अगर मैं पर्टिकुलर लॉ की बात करूँ तो BHU के बाद जो बेस्ट पढ़ाई होती है वो हरिश्चंद्र की होती है, उसके बाद और भी कोई कॉलेज है। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या होता है कि आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, अभी तक तो जो चले आ रहे हैं सेशंस उसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रही है, जो चलता है 4:30 से 7:30 बजे तक, ये शाम की क्लासेस होती हैं, मतलब दिन में आप जो कुछ भी करिए, आप कहीं जॉब वॉब करते हैं तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, आप शाम को यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं। इस बार से जैसा कि पहले हम लोग, अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग को काउंसलिंग करानी थी उससे पहले हम गए, तो वो लोग बता रहे थे कि शायद 12 बजे से 12:30 बजे से कर दें, शायद अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है उसकी। तो क्या हुआ कि 7th ऑफ अगस्त को इन्होंने इंट्रेंस लिया। इंट्रेंस कैसा था? इंट्रेंस बहुत ही टफ था, जैसा कि आप पेपर्स देखते हैं PCS उसी लेवल का, उस तरह का पेपर थे, कोई भी क्वेश्चंस इनके इजी नहीं थे, सारे अपने आप में बहुत ही कठिन पेपर था जो है, एक भी क्वेश्चन इजी नहीं था। अगर सबसे ज़्यादा क्या क्या किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे, तो कुछ लॉ के पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे, पॉलिटी में भी वो सब्जेक्ट्स ज़्यादा फोकस किया गया था जहाँ पे केसेस होते हैं, केसेस जैसे कि बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे इस तरह के केसेस जो हैं इस पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस किया गया था, और आर्टिकल पे भी फोकस किया गया, तो आर्टिकल के सब सेक्शन पे फोकस किया गया था, जैसे आर्टिकल 19 ABCDEF ऐसे करके है, तो आर्टिकल 19 E से क्वेश्चन था कि ये किससे संबंधित है, एक भी पेपर में क्वेश्चन ईजी नहीं था। इसके बाद हिस्ट्री की बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे, और उसके आगे की बात करूँ तो आपके ये इसमें थे करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस थे, अच्छे खासे करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस थे, बट वो भी इजी नहीं थे। पर्टिकुलर डेट पूछ दिया गया था कि नहीं इस डेट को, ये किस डेट को ये सेटेलाइट लॉन्च हुई थी। हम लोग तो नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं कि कोई पढ़ता है तो ये सेटेलाइट पर्टिकुलर किस लिए लॉन्च हो रही है, और इसका क्या काम है, किस रॉकेट से PSLV या GSLV किससे लॉन्च हो रही है, इसरो लॉन्च कर रहा है कि नासा लॉन्च कर रहा है, किस कंट्री की है, कितने मतलब जो है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें डेट पूछा था। तो अपने आप में सारे क्वेश्चन जो 100 100 क्वेश्चन थे, ये सारे अपने आप में टफ थे जो है। इसमें जहाँ पर जो लिस्ट लगी थी जो मैंने देखा, मेरी रैंक अंडर 5 में है जो है, और 51 मैक्सिमम था जो है नंबर, इससे ऊपर किसी का नंबर नहीं था जो लिस्ट वहाँ पे लगी थी। और पहले क्या होता था कि 2023 से पहले के जो रिक्रूटमेंट हुए थे, जो बच्चों को उन्होंने काउंसलिंग कराते थे, तो वो एक PDF देते थे जिसमें रैंक 1 2 3 ऐसे ऐसे, फिर टॉप रैंक वालों को पहले बुलाते थे, जैसे अगर टॉप रैंक में से जिनको बुलाया उसमें से
बुलाने के बाद कुछ टाइम देते थे कि अगर आप जिस बच्चे ने फीस नहीं भरी या काउंसलिंग नहीं कराई तो उसको फिर नीचे के रैंक और वो रैंक डाउन करते जाते हैं और बच्चों को लेते जाते हैं। तो ये इनका पूरा पैटर्न है। अब 7 तारीख को इन्होंने एंट्रेंस लिया। एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है, सबसे पहले BA अदर सब्जेक्ट का आ गया, BSc और LLB का पेंडिंग रहा, फिर बाद में BSc का भी आ गया, सबसे लास्ट में इन्होंने LLB का निकाला। LLB का कब रिजल्ट आने वाला था, जो कि इन्होंने नोटिफिकेशन अपने वेब पेज पे जो अपलोड किया था वो 2 तारीख का था, बट 2 तारीख को रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट कब आया, 3 तारीख को सुबह में। 3 तारीख को सुबह में आया तो 3 तारीख सुबह में ही मैं चेक किया, क्योंकि उस समय मैं चेक कर रहा था कि रिजल्ट क्या है क्या नहीं। तो 3 तारीख को मैंने चेक किया कि रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट आया तो फिर इन्होंने 6 तारीख को काउंसलिंग के लिए डेट रख दी। जो टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले काउंसलिंग में बुलाया गया। 6 तारीख को, 6 सेप्टेम्बर को काउंसलिंग थी। अब 3 तारीख को रिजल्ट दिया, 6 तारीख को जो है इन्होंने काउंसलिंग कराया। मात्र 2 से 3 दिन आपको मिला जो है, ठीक है। अब टोटल सीट जो इन्होंने ब्रोशर दिया है, जो आप देखेंगे अगर इनके वेबसाइट पे हरीशचंद्र co.education पे जाएंगे आप, जो है एडमिशन पे, जो है अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं हरीशचंद्र PG कॉलेज, फिर वहाँ एडमिशन में जाएंगे तो एडमिशन में इनका जो ब्रोशर है, एडमिशन ब्रोशर, उसमें सारे सब्जेक्ट जो ये पढ़ाते हैं उनका सीट्स फीस सब कुछ दिया हुआ है। तो अब टोटल सीट्स अगर मैं पर्टिकुलर LLB की बात करूं, जैसा मैंने LLB का दिया था लॉ के लिए, तो 320 सीट वहां पे दिखा रहा था। अब काउंसलिंग में क्या क्या हुआ, तो काउंसलिंग में इन्होंने एक डिटेल निकाली थी कि आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, और फिर ग्रेजुएशन के तीनों साल का मार्कशीट और डिग्री, उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके अलावा EWS हैं तो EWS सर्टिफिकेट, विकलांग हैं या तो फिजिकली डिसेबल हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे अदर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका आप छूट लेना चाह रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना था। इन जो सर्टिफिकेट को मैंने बताया, इसमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं रहेगा, स्पेशली कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए, और अगर आपका मार्कशीट और शीट से, तो आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा। ये क्लियर है कि अगर आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आपका एडमिशन वहाँ पर नहीं होना है, वो पक्का है, क्लियर है। ये चीज़ तो मुझे समझ में आई वहाँ पर, और ये चीज़ उन्होंने खुद बताया। इसके अलावा अब वहाँ पर ये चीज़ अच्छा था कि कोई माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इसकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ी। ओरिजिनल आपको कुछ भी नहीं वहाँ सबमिट करना है, सारी चीज़ वो सामने ही वेरीफाई करेंगे, और जो जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया अभी कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के 3 साल का, और आपके जो है ये डिग्री और करेक्टर सर्टिफिकेट, इन सब की जो है 2-2 कॉपी आपको, 2 फोटोकॉपी निकालनी है सबकी, 2 कॉपीज़ को अलग अलग सिक्वेंस में रख के वो दोनों का फोटोकॉपी वो सबमिट करते हैं, ओरिजिनल वो कुछ नहीं लिए अपने पास। तो 6 तारीख को जब मैं गया तो सबसे पहले हम लोग का जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 46 एंड एवब, जितने भी 100 में 46 एंड एवब बच्चे नंबर पाए हैं, यही क्योंकि पेपर बहुत टफ था तो यही इनकी मेरिट गई थी जो है, तो इस हिसाब से उन्होंने बुलाया कि अब उनका डॉक्यूमेंट लिया। बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे, क्या कैसे काउंसलिंग करा रहे थे, जो हरीशचंद से पढ़े हुए, देखिए जो हरीशचंद से 320 सीटें, हरीशचंद से जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको एक क्लास में बैठाया गया था, जो अदर कॉलेज से पढ़ के गए हैं उनको अदर मतलब एक सेक्शन में बैठाया गया था। तो मैं अदर कॉलेज से था तो मुझे एक अलग, हम जितने बच्चे थे उन सबको एक जगह अलग बैठाया गया था। वहाँ काउंसलिंग शुरू हुई, जैसे सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिया गया तो मैं ही वहाँ सबसे पहला बच्चा था जिसने डॉक्यूमेंट दिया वहाँ पर, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पढ़ा था और मुझे जानकारी भी थी, तो मैं घर से सारे जो डॉक्यूमेंट आप देंगे फोटोकॉपी उसको सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद की साइन करके देनी है, तो सब करके मैं घर से ले ही गया था। और एक डिक्लेरेशन फॉर्म, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन फॉर्म भी चाहिए डॉक्यूमेंट में, मैं बताना भूल गया, जो 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट में है कि एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन फॉर्म, वो उनके वेबसाइट पर अपलोडेड है, आप वहीं से डाउनलोड करके उसको भर के देना है अपने गार्जियन से साइन करा के। तो ये हो गया। अब वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, मेरे पहले नाम बुलाया गया, जब मेरा नाम आया तो मैं गया, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, तो उसमें मेरे पास क्या नहीं था, मेरे पास वो नहीं था जो फॉर्म आप जब भरते हैं तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी वहाँ पे चाहिए, इसकी भी 2 कॉपी चाहिए और 2 फोटो भी चाहिए, डॉक्यूमेंट के अलावा 2 फोटो और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म मैंने डाउनलोड नहीं किया था, नॉर्मली मैं नहीं करता क्योंकि उसकी ज़रूरत होती नहीं है, बहुत रेयर केस में मेन। तो और आपका एडमिट कार्ड जो आपने दिया, आप उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, उसकी भी 2 फोटोकॉपीज, एडमिट कार्ड इन द सेंस कि जो आपने इंट्रेंस जो इनका हुआ था उस समय का एडमिट कार्ड।
बहरहाल तो ये सब चीज़ें हैं। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास था नहीं, तो उन्होंने कहा, तो मैं वहीं पे ऑनलाइन चेक किया, तो उस समय इसकी हम लोग को एक्सेस नहीं था, क्योंकि हम लोग को डेट ख़त्म बता रहा था कि नहीं, डेट एक्सपायर्ड हो चुकी है, अब आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं वहाँ पे जो बैठे थे मेन जो हेड थे उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि नीचे उन्हीं के ऑफिस में निकल रहा है, जो प्राचार्य हैं वहाँ पे, वहाँ के ऑफिस में। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पे वो सही में निकल रहा था, दो पन्ने का था, उन्होंने निकाल के दिया, फिर मैं लेके गया उसके दो प्रिंट आउट लेके गया, तो मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। एक ये डॉक्यूमेंट जो मेरे पास नहीं था वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। वो आप भी जाएंगे, जैसे आज भी काउंसलिंग चल रही है, आज है 8 तारीख, 8-9 सब काउंसलिंग चल रही है वहाँ पे, डेली मैसेज आता है जिन जिन बच्चों को काउंसलिंग है, या मेरिट वाइज आप पता करते रहेंगे कि आज कितने तक काउंसलिंग हुई। तो आपको काउंसलिंग, देखिए यहाँ पर मेन चीज़ है, काउंसलिंग आपको करानी है। काउंसलिंग कराएंगे तो आपको, जैसे मेरी काउंसलिंग हुई 6 तारीख को, 1 से 2 घंटे लगे, 2 घंटे में सब काउंसलिंग वाउंसलिंग हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने हमें एक रसीद दी, जिस जो जो ये ब्लू कलर की रसीद दी, और उस रसीद को जो है हमें बताया कि एक मैसेज आएगा हमारे मोबाइल पे, जिस पे लिंक रहेगी, लिंक से हम जो है उस पे पेमेंट करेंगे, एडमिशन के लिए पेमेंट करेंगे उस रसीद को, और फिर पेमेंट जो हम करेंगे उसका प्रिंट निकाल करके, और एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो पहले फॉर्म भरते टाइम था जो है उसको ले करके तीनों जाना है वहाँ पे, और सबमिट करना है ऑफिस में कि हाँ हमने फॉर्म पेमेंट कर दिया, मेरा एडमिशन हो गया। तो ये चीज़ हमें बताया गया, जब हमारी काउंसलिंग हो गई सब कुछ, तो हमें बुलाया गया, हमें एक साइन कराई गई और एक रसीद दी गई कि आपका काउंसलिंग हो गया है, आप जो है पेमेंट कर दीजिए, मतलब आपका यहाँ पे सब काम हो चुका है, आप पेमेंट करिए, और फिर जो है आप इसको जो है उसमें, हाँ पेमेंट करने के लिए भी 5 दिन का समय दिया गया। जैसे मेरी 6 तारीख हुई, तो मेरे जो रसीद मुझे मिली है उसमें 11 तारीख तक की डेट दी गई है, 6 से लेकर के 11/09/2023, इतनी डेट दी गई है, 5 दिन का गैप दिया गया है कि इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करेंगे, तो इनका खुद की जो वेबसाइट है एडमिशन वाले पे, हरिश्चंद्र को डॉट एजुकेशन डॉट इन वाले पे, उसमें पे एडमिशन फीस ऐसे एक जो है लिंक है, उसको आप ओपन करेंगे तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी क्या चल रहा है, जैसे मैंने कल चेक किया था, 6 तारीख को मेरी काउंसलिंग हुई, मैंने 7 तारीख को, कल कल डेट थी 7 तारीख, तो 7 तारीख को चेक किया था, तो मेरा एक्टिव हो गया था लिंक। जिनके मेरिट थोड़े नंबर कम है उनका धीरे धीरे, अगर उनकी काउंसलिंग हो चुकी है और उनको वो रसीद मिल चुकी है, तो उनका भी एक्टिव हो जाएगा। वो अभी प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि मैं मेरे जानने वाले एक हैं जिनका अभी एक्टिव लिंक नहीं हुआ था, बट मेरा कल ही एक्टिव हो चुका था, तो अभी मैंने पेमेंट नहीं किया, मुझे अभी पेमेंट करना है। तो ये बात हुई काउंसलिंग की। अब ये काउंसलिंग का पूरा फंडा हो गया क्लियर, कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सारे चेक किए, उसकी दो 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 फोटो कापीज़ मंगाई, फ़ोटो कापीज़ को अपने पास रख लिया, ओरिजिनल हमें चेक करके दे दिया, और उसके बाद जो है उन्होंने एक रसीद काटी, उसको दिया जो है कि आप फॉर्म भरिए, ठीक है। अब रही बात फ़ीस की, तो जब मैंने लॉगिन किया अपना डिटेल से, तो फीस का जो लिंक आया उसमें UPI, इंटरनेट या बैंकिंग, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सबसे पेमेंट कर सकते हैं, ये मैंने चेक किया था। तो फीस जो ब्रॉशर में उन्होंने दिया था वो 3576 दिया था, जब मैं अपना चेक कर रहा हूँ तो उसमें दिखा रहा है 4076, तो 500 रुपये का ज़्यादा दिखा रहा है। अब ये पता नहीं मुझे कि ये 500 रुपये कैसे ज़्यादा दिखा रहा है, हो सकता है ये मैं अपना एक अनुमान बता रहा हूँ, इसको मैंने कंफर्म नहीं किया जा करके स्कूल कॉलेज से। अभी जब मैं पेमेंट करूँगा और लोग से पता कर लूँगा कि उनको कितना आ रहा है, तो मैं जाके कंफर्म करूँगा कि क्या ये फ़ीस बढ़ गई है, क्योंकि कई सालों तक जब से हम सुनते आ रहे हैं, 5-6-7 साल 8 साल से, तो यही फ़ीस चली आ रही है, 4-5 साल से तो सुन ही रहा हूँ कि मैं कि नहीं 3576 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में थोड़ी और कम हो जाती है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आपका और कम हो जाता है। अब ये 4076 500 रुपये एक्स्ट्रा है, माइट बी कि ये जो है जो काउंसलिंग कराएं उस समय तो उन्होंने कोई फ़ीस नहीं ली, उसकी फ़ीस ये ऐड करके ले रहे हो, या कुछ जो भी चीज़ है, बट ये 500 रुपया बढ़ के आ रहा है। तो मुझे सब कुछ तो यहाँ पे है, ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। अब जो भी है पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो पेमेंट करके फिर उससे हम लोग बात करेंगे कॉलेज जा कर के। तो यहाँ तक हो गया भैया एडमिशन का प्रोसेस। अब हम लोग, अब मुझे क्या करना है, या आपकी काउंसलिंग हो चुकी है तो आपको क्या करना है, आपको रसीद मिल चुकी है, आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से चेक करिए कि पेमेंट का लिंक एक्टिव हुआ कि नहीं, अगर एक्टिव हुआ तो आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, वो रसीद जो दी गई है काउंसलिंग के टाइम पे, उसको ले करके, और जो आप पेमेंट करेंगे उसकी रसीद लेकर, ये तीनों चीज़ लेकर के, तीन चीज़ जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो, उसके बाद जो है पेमेंट के लिए जो एक रसीद जो काउंसलिंग की मिली थी, और एक तीसरी जो आप पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट लेकर के फिर से जाना है कॉलेज, और काउंटर पे वहाँ पे सबमिट करना है।
तो काउंटर पे जब हम लोग सबमिट करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसके बाद सबमिट होने के बाद हमारा तो कंफर्म रहता है, तो वो क्या काम करते हैं कि आईडी प्रूफ देंगे, कॉलेज आईडी देंगे, कॉलेज आईडी और एक लाइब्रेरी लाइब्रेरी की जो है पास देंगे कि आप लाइब्रेरी से बुक इशू कर सकते हैं, कॉलेज का आईडी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो है सेक्शंस, क्योंकि 320 बच्चे हैं तो 320 बच्चे अगर सीट भरते हैं तो एक सेक्शन तो होगा नहीं, दो तीन या चार, तो अगर मैं 60 का भी मानूँ तो चार सेक्शन तो कम से कम बनाएंगे, चाहे जैसे भी लोग करें, ये मुझे नहीं पता अभी इन डिटेल कि कैसे सेक्शन बनेंगे, कैसे क्या होगा, ये तो अब आगे का बात है जो पता चलेगा जब एडमिशन फीस सबमिट हो जाएगा और आगे आदमी बढ़ेगा। तो ये रहा पूरा डिटेल। अगर आप भी जो है आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका आज या कल में कभी भी आपका जो है काउंसलिंग है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है आप जिस भी कोर्स के लिए, जैसे मैंने पर्टिकुलर LLB की बात की है, इसी की मैंने काउंसलिंग कराई है, अगर आप किसी भी अदर सब्जेक्ट की है तो उसका डिटेल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और वो जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप कचहरी से बनवा सकते हैं, नहीं भी अगर आप कचहरी से भी नहीं बनवा पा रहे हैं तो जब हम लोग गए वहाँ पे, तो कॉलेज के गेट के, जैसे कॉलेज गेट है यहीं पे ही सब बैठे हुए हैं लोग जो है नोटरी ले करके, वो वहीं बना रहे हैं। अब हो सकता है वो चार्जेस जितना भी ले रहे हो, मैंने चार्जेस उसका पता नहीं किया तो चार्जेस पता नहीं किया तो, बट वहाँ पे भी आपका बन जाएगा। बट अगर आप पहले बनवा लेते हैं तो सही है, 10 रुपये का नोटरी स्टाम्प लगता है, प्रिंटिंग और टाइपिंग का जो भी जितना लगे, कुल मिला के 100 रुपये तक मेरे ख्याल से आपका खर्चा आएगा इसमें बनवाने का, अगर आप कचहरी से बनवाते हैं तो 100 रुपये का ये आपका खर्चा है, इसको आप बनवा लीजिए। और उसके बाद जब वहाँ पर आप जाएंगे, सब चीज़ गाइडेंस प्रॉपर है, जो फैकल्टी थी वो भी ठीक ठाक थी जो है, और मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं ऐसा, और जो सीनियर टीचर्स थे उन्होंने सब कुछ बताया जो है। हाँ, मगर है कि वो एक ही चीज़ बहुत सकते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आपका जो है फॉर्म आगे बढ़ेगा, आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा तुरंत वहाँ पे। कई लोग थे जो नहीं लेके आए थे, उनको फिर घर जाके वापस जो बनारस में रहते हैं, क्योंकि ये कॉलेज बनारस में, तो तुरंत जाके लेके आए, 1-2 घंटे का मोहलत दे रहे थे वहाँ पे, आप 1-2 घंटे का मोहलत देंगे कि आप जा करके लेके आइए अगर आप पास में। अगर आप दूर में हैं तो फिर तो प्रॉब्लम ही है, फिर आपकी वो पेंडिंग में डाल देंगे, अगर आपने डॉक्यूमेंट दे पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये है। अब रही बात कि एडमिशन लेने जा रहे हैं, जैसा कि मैं पढ़ाई लिखाई करता था तो मेरिटोरियस में तो मतलब अच्छा ही रैंक आया है, और Under 5 में है और जो भी है, तो उसके अलावा अब एक नई जर्नी शुरू होगी 3 साल की जो है लॉ की। अपने आप में ये मेरा शौक़ था करना LLB, वैसे तो मैं ग्रेजुएट ऑलरेडी हूँ जो है, बट ये मेरा शौक़ था बहुत पहले से। मैंने बहुत लेट कर दिया इसको करने में, और करना मुझे बहुत पहले था, तो फाइनली अब एक अच्छी खासी जंग लड़ करके एक, देखिए तो प्रोसेस बहुत टफ होता है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म जब इन्होंने निकाला था तो उसकी प्राइस थी 750 रुपये, 750 रुपीज़ जनरल के लिए, 750 रुपये ये एप्लीकेशन फॉर्म था जब इन्होंने एडमिशन के लिए निकाला था। उसके बाद फॉर्म निकला, फिर आप एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद फिर रिजल्ट आए, फिर उसके बाद काउंसलिंग हुई है, अभी रिसेंटली काउंसलिंग हुई है 6 तारीख को, अभी काउंसलिंग चली रही है। तो ये सब प्रोसेस है, और अच्छा भी लग रहा है, बहुत दिन बाद जो है फिर से कॉलेज जाने का मौका मिलेगा, वो भी शाम के टाइम पे, तो कोई टेंशन नहीं, आदमी शाम को थोड़ा टहलते टहलते जाता है, 3-4 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, तो एक मोटिवेशन भी है, एक रिफ्रेशिंग है, कुछ नए दोस्त यार मिलेंगे, नए सब कुछ चीज़ें होंगी। तो इसका अपडेट मैं डालता रहूँगा इसी चैनल पे कि क्या चल रहा है कॉलेज के, कुछ व्यूज़, कुछ फ़ोटोज़। कॉलेज तो बहुत बढ़िया, मैं तो ये नहीं कहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत ही पुराना कॉलेज है, नए कैंपस उनके बने, वो अच्छे कैंपस बने हैं। हाँ, और मैं इसकी डिटेल बात करूँ तो जैसे कि जो ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि भाई आप गवर्नमेंट कॉलेज में गए, खंडहर टाइप का दिख रहा है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्डिंग पुरानी है, मगर ये कि कॉलेज ठीक ठाक है। वॉशरूम की बात करूँ तो मैं वॉशरूम गया, वहाँ यूज़ किया, पूरा प्रॉपर फिनाइल था, ये नहीं बहुत बदबू आ रही है, ऐसा कुछ नहीं था। पानी वहाँ पे मैंने पिया नहीं, क्योंकि पानी बड़ी टंकी लगी थी, पानी की 7-8 नल लगे थे, लोग पानी पी रहे थे डायरेक्टली वहाँ पे, तो मैं तो बाहर से खरीद के पिया, क्योंकि अभी थोड़ा सा नए नए जगह जाने पे आपको माहौल को देखना समझना पड़ता है। तो वॉशरूम सही था, और उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई गंदगी वहाँ पे नहीं थी, महक बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, फिनाइल की महक थी प्रॉपर, सब कुछ सही था। और उसके बाद जो है, हाँ ये कहिए कि बहुत मॉडर्न टाइप का कॉलेज, जैसे मैंने जहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की है वो तो बहुत ही मॉडर्न टाइप का था, अच्छा कॉलेज था, जहाँ आप जाइए फ्रेशनेस हर चीज़। ये वहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड है, छोटा कॉलेज है, बच्चे ज़्यादा रहते हैं, और
ठीक है, लाइट भी कट रही थी, रहते रहते जनरेटर स्टार्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे लाइट, स्टार्टिंग में तो लाइट थी कि लाइट कट रही थी, तो गर्मी में बैठे थे हम लोग जो है। हालांकि बिल्डिंग छत बहुत ऊँची ऊँची थी तो उतनी गर्मी नहीं लग रही थी, और एक नया जोश भी था, नए नए लड़के सब अगल बगल में थे तो अच्छा लग रहा था। अब देखिए इसके शॉर्ट्स और वीडियोज़ आने टाइम पर क्या क्या होंगे। अब एडमिशन पेमेंट कर दूंगा, ये अब जो पेमेंट दिख रहा है ये 4076 रुपये, ये पेमेंट 500 रुपये बढ़ के आ रहा है। इसके लिए भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि नहीं ये कैसा 500 रुपये बढ़ के आया है, इसका भी क्लैरिटी अभी हमारे पास खुद ही नहीं है, तो ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अगर आप जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाइए, डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं एडमिशन लेंगे। भले आपकी मेरिट कम वो कर देते हैं, हर चीज़ है, मेरिट कम भी कर देंगे, आप मेरिट में आ भी जाएंगे बट फिर भी वो एडमिशन नहीं लेंगे अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।